ओके गाइस, तो ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा सब्सक्राइबरों को बताने के लिए है कि भाई चल क्या रहा है मेरे साथ, और मैं वीडियो वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, और इतने समय से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक्चुअली मैं अपना नवंबर के स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सा मतलब हाँ, मैं डिप्रेशन में जाने की शुरुआत हुई थी तब से, और आई गेस मतलब तब से थोड़ा सा परेशान चल रहा था मैं। और देखो पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो कोई ऐसी सिंपैथी गेन करने के लिए, उस सब के लिए नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत समझना। मैं तो बस मतलब एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कि चल क्या रहा है मेरे साथ, बस वो बता रहा हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, है ना? ठीक है, सब चिल है भाई, सब चिल है। थोड़ा थोड़ा मैं तब थोड़ा थोड़ा परेशान होना चालू हुआ, कुछ रीजंस थे पर्सनल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब अकेलापन और सारी चीज़ें थोड़ी सी लग रही थी। अब हो सकता है कुछ भी रीज़न हो उसके लिए। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो समय था जब मैंने अपने वो BGMI के वीडियो डाले थे, वो अपने दोस्तों के साथ शूट करके। वो वीडियो भी मैं इसीलिए बन पाए थे क्योंकि वो वीडियो भी दोस्तों के साथ थे, तो वो थोड़ा आसानी से शूट हो गए थे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मेरे से रिलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, जो कि वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई, या फिर थोड़ी सी कहूँ परेशानी देने लगी। इसके बारे में मैं शायद चैनल पे डिस्क्लोज करूँ कि क्या है वो चीज़ें, और पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसे पर्सनली रखते हैं। तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन में एकदम जा नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं चले जाऊँ, तो इसलिए मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया। और फिर साइकेट्रिस्ट की थोड़ी सी मेडिकेशन चली, तो क्या हुआ कि तब तक थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन वो मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट ये था कि यार मेरे को दिन भर नींद आती रहती थी, काम आम आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से जो है मैं कुछ कुछ चीज़ें कर पाता था, नींद ही नींद आती रहती थी ऐसे, मतलब मेरी आँखें। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, उस समय दोस्त दोस्ती गाड़ी चला रहे थे, मैंने तो चला ही नहीं थी ऐसे समय में, और वो दोस्त ही मेरे को कह रहे थे सारे कि क्या कहते हैं, तेरी आंखें इतनी छोटी हो रही हैं, मतलब इतनी ऐसे बंद सी हो रही हैं, कौन सा नशा करके आया है। और बल्कि मेरे मम्मी पापा तक ने कहा था मेरे दोस्तों से कि इसका ख्याल रखना, कहीं लुढ़क उड़क ना जाइए। तो वही सीन है, तो वही सब थोड़ा सा चला। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा सा करके चीज़ ऐसे हुई। फिर और एक्चुअली जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ काफ़ी पर्सनल है मेरी, वो चीज़ मेरे को पता थी, और ठीक है वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फिर वो चीज़ मेरे पेरेंट्स को पता चली, तो फिर थोड़ा सा घर में सीन थोड़ा अलग रहा, थोड़ा सा माँ बाप थोड़ा टेंशन में आए, सब नॉर्मल रहा, अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन इसी सब बातों पे थोड़ी सी और चर्चा बढ़ी और सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसके बाद अभी जो है फिर सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हुई। फिर जब सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होने लगी, तब मैंने एक वो जोगिंदर वाला वीडियो शूट भी किया। ऊपर नीचे मेरा डिप्रेशन जो है, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था उस फेज में कि मतलब अब मतलब इनफैक्ट अभी भी मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा है, अभी मतलब थोड़ा सा अभी तो मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं रिकवर हो रहा हूँ, हाँ मैं अभी रिवाइव हो रहा हूँ, लेकिन उस कुछ समय में मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डिप्रेशन में अभी जा रहा हूँ, या फिर मैं ठीक है हो गया, अब मैं ऊपर उठ रहा हूँ इस चीज़ से। तो वो चीज़ें लगी थी, तो मैं इस बीच केवल एक ही वीडियो बना पाया। उसके बाद फिर सब ठीक होने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि साइकेट्रिस्ट को नहीं, साइकेट्रिस्ट ने भी बोला हाँ आप दवाई बंद कर देंगे, और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 3-4 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ अभी तक उतना अच्छा भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर हाँ ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल चीज़ है, आप साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो, तो थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है कि हाँ ठीक है, ओके है, सही है। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी जब मेडिकेशन बंद हुई, और तब मैंने सोचा कि हाँ अब बनाते हैं वीडियो, तो उसके बाद मेडिकेशन बंद होने के बाद
अचानक से अलग ही चीजें मतलब हुई, बहुत ही तेज मूड स्विंग्स हो गए और बहुत ही तेज चीजें ऐसे हुई, मतलब मेरा मूड एकदम बहुत स्विंग हो रहा है, बहुत एकदम डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एकदम मतलब खराब ख्याल आ रहे हैं। तो फिर मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया फिर से, ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि साइकेट्रिस्ट को दिखाया, इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने बोला था कि अब जो है मैं किसी भी साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाऊंगा और कोई दवाई नहीं खाऊंगा, और उसी वीडियो के 2-3 दिन बाद यही चीज उल्टी हुई कि मेरे को जाके साइकेट्रिस्ट को दिखानी पड़ा फिर से, और अभी फिर से मेरे को दवाई चल रही है और अब शायद थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जहां तक मेरे को लग रहा है उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चलती रहेगी वो नॉर्मल दवाई की तरह। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये हुई कि कॉलेज मेरे खुल रहे थे, मेरे को लग रहा था वो ऑनलाइन खुल रहे हैं, और वो कॉलेज एक्चुअली मैं भोपाल में रहता हूँ और वो कॉलेज है दिल्ली में, मेरे को लग रहा था ऑनलाइन खुल रहा है ऑनलाइन खुल रहा है, लास्ट मोमेंट पे पता चलता है वो ऑफलाइन खुल रहा है। यार मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया कि यार शिफ्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं फिर बहुत स्ट्रेस आउट हो गया। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मैंने, क्योंकि क्या है ना एक्चुअली हो ये रहा था कि मैं अभी थोड़े से ऐसे मेंटल स्टेट में हूँ कि मैं हाँ नॉर्मल चल रहा हूँ, मैं ठीक है सब बढ़िया है, लेकिन अभी मैं मतलब एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के उसमें नहीं था, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि मैं बाहर चले जाऊंगा और सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूंगा और यूट्यूब भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस थोड़े से अभी थोड़ा सा जो टाइम है ना, शायद कुछ 2-1 हफ्ता या फिर शायद थोड़ा पूरा महीना भर, इस थोड़े से में मैं यार उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर सकूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी रिवाइविंग स्टेट में हूँ, अभी थोड़ा सा मैं निकल रहा हूँ सारी चीज़ों से और सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक है एक फेज, बस मतलब लाइफ है यार, सारी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो ये भी एक फेज है बस, और ये भी खत्म हो जाएगा। और फिर वही, और कमाल की बात उसके बाद पता है क्या हुई, 2 दिन कॉलेज खुला, केवल 2 दिन कॉलेज लगा, उसके बाद दिल्ली में येलो अलर्ट आ गया ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से और फिर कॉलेज ऑनलाइन हो गया। तो जितनी टेंशन मेरे को हो रही थी कि यार मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी टेंशन कुछ समय के लिए अभी दूर हो गई, अभी ऑनलाइन ही मैं अटेंड कर रहा हूँ क्लासेस। तो वीडियोस का ऐसा सीन है कि मैं थोड़ा सा जितनी भी मेरी पेस है, मैं उस पेस पे जो भी मेरे से वीडियो बनेगा मैं वो वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है GTA 5 के बहुत मॉडेड और बहुत अच्छे एक्स बहुत ही शानदार वीडियो ना हो, हो सकता है बहुत सिंपल गेम्स के हो, लेकिन मेरे से मतलब मेरे लेवल पे जो बनेगा अपन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऊपर उठ रहा हूँ सारी चीज़ों से, ऐसी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अपन सब कर सकते हैं, ठीक है, बस स्टेट है, सब हो जाता है, सब कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बस ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, लाइफ है, सब चलता रहता है, चलेगा, ऐसे ही होगा। इसके बाद बस लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम लोग को अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी हो तो प्लीज यार मैं अपने थोड़े से अफिलिएट लिंक्स डाल दूंगा नीचे, तो उस लिंक से जाके तुम वो चीज़ नहीं कुछ कोई और चीज़ भी खरीद सकते हो, जैसे मेरे को कोई बुक पढ़ना पसंद है तो मैं उस बुक के लिंक डाल दूंगा, तुम लोग कुछ खरीदोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प होगी और मैं यूट्यूब थोड़ा सा और अच्छे से कर पाऊंगा, आप समझ ही रहे हो। एक और रिक्वेस्ट थी कि यार थोड़ा सा कोरोना वगैरह बढ़ रहा है तो थोड़ा संभल मल के रहो भाई, ओमिक्रॉन ओमनीट्रिक्स आ गया भैया, घर पे दिक्कत ना हो जाए भाई बस, और वैक्सीन तो लगवा ही ली होगी और सारी चीजें सब बढ़िया है, ठीक है, अपन फोड़ देंगे। मैंने एक्चुअली एक गोल भी लिया था कि यार इस साल के अप्रैल तक अपन 500 सब्सक्राइबर कर लेंगे, इतना अच्छा कॉन्टेंट डालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब चीजें ऊपर नीचे लग रही हैं, लेकिन देखो ट्राई तो फिर भी अपन करेंगे, ट्राई तो 100% अपन करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो बस यही बात है, ठीक है, चीजें अपन सारी कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रिवाइविंग स्टेट है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना यार, उतना रेडी नहीं हूँ थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब हो जाएगा, बढ़िया है, सब चिल है, फोड़ देंगे अपन बिल्कुल, जो है थोड़ा कॉन्टेंट हो सकता है कभी कम आए कभी ज्यादा आए, ये सब चैनल पे लगे ही रहना है, लंबी जर्नी होनी है भाई, सब लगे रहना है ये सब की, कभी वीडियो जल्दी आ रहे कभी देर से आ रहे कभी कोई दिक्कत चल रही है, सब लगे रहना है, लेकिन सब चिल है भाई, सब लाइफ का पार्ट है। और बस लास्ट में यही कहूँ, मैं भी फोड़ता हूँ तुम भी फोड़ो और भाई मतलब मजा आ जाएगा एकदम,
हाँ मेरी हेल्प करनी हो तो आप नीचे अफिलिएट लिंक्स हैं। बस ठीक है भाई, चलो बाय बाय।